हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अवनीस होमली फूड पे। आपने आटे और मैदे के शक्कर पारे तो बहुत खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सूजी से बनने वाले बहुत ही कुरकुरे शक्कर पारे की रेसिपी, जिन्हें आप किसी भी त्योहार पे बना सकते हैं। तो चलिए आज की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सूजी के शक्कर पारे बनाने के लिए हम सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल ले लेंगे और सारी मेजरमेंट करने के लिए हम एक ही कटोरी का इस्तेमाल करेंगे, ताकि मेजरमेंट करने में हमें ज्यादा परेशानी ना हो। आप कटोरी की जगह पे कप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बस इतना ध्यान रखें कि सारी मेजरमेंट करने के लिए एक ही बर्तन का यूज करें। तो यहाँ हम लेंगे एक कटोरी बारीक वाली सूजी। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है, नॉर्मल वाली सूजी है, तो बस उसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल के पीस लीजिए, इससे सूजी बारीक हो जाएगी। उसके बाद शक्कर पारे को बढ़िया बाइंडिंग देने के लिए और खस्ता बनाने के लिए हम इसमें 1/4 कटोरी लगभग 6 चम्मच के करीब आटे के डालेंगे। आप यहाँ आटे की जगह पे मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसमें डालेंगे 1/4 कटोरी चीनी का पाउडर। बस चीनी को मिक्सी में पीस लीजिए और इसका फाइन पाउडर बना लीजिए। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमने चीनी का पाउडर लिया है, ना तो वो बहुत ज्यादा होना चाहिए ना बहुत कम। अक्सर ज्यादा चीनी और घी डालने से शक्कर पारे तेल में बिखर जाते हैं, तो अगर आप बिल्कुल इस रेशो से लेंगे तो ये कभी नहीं बिखरेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 पिंच नमक। मीठी चीजों में अगर थोड़ा सा नमक डालते हैं तो उसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। इसके साथ ही बढ़िया सा फ्लेवर देने के लिए हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच इलायची पाउडर और सभी को अच्छे से मिला लेंगे। अब शक्कर पारे को क्रिस्पी और खस्ता बनाने के लिए हम यहाँ लेंगे 1/3 कटोरी लगभग 6 बड़े चम्मच घी के। घी को हमने यहाँ हल्का सा गर्म करके और मेल्ट करके लेना है और हम इसे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ताकि घी एक साथ ज्यादा ना डल जाए। हमें घी को इतना ही डालना है कि जैसे ही हम इस आटे को मुट्ठी में बांधेंगे तो ये ऐसे बंद रहा हो। अगर बिखरे तो आप इसमें घी और डाल दीजिए। आप यहाँ घी की जगह पे ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शक्कर पारे को और भी ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए हम यहाँ लेंगे 1/2 कटोरी दूध का और दूध को हम यहाँ हल्का सा गर्म करके लेंगे। बस इसे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे मिक्स करके इसका नरम आटा लगाएंगे। आप दूध की जगह पे पानी का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप आटे को सख्त लगाएंगे तो शक्कर पारे भी बहुत सख्त बनेंगे, और अगर आप आटे को ज्यादा मुलायम रखेंगे तो शक्कर पारे ज्यादा तेल सोख लेंगे। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आटे को हल्का सा नरम ही लगाएं। तो आप देख सकते हैं कि हमें इस तरीके से इसका सॉफ्ट आटा लगा लेना है। बस अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, जिससे जो सूजी है वो सभी चीजों को अच्छे से अब्सॉर्ब कर लेगी। 15 मिनट बाद आटे को चेक करेंगे और इसे थोड़ा गूंथ लेंगे, ताकि आटा सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद आटे को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। पहले एक पोर्शन लेंगे और इसको घुमा के इसकी लोई बनाएंगे। फिर इस लोई को चकले पे रखेंगे और इसको मीडियम थिकनेस का बेल लेंगे। इसे बहुत ज्यादा पतला या बहुत ज्यादा मोटा मत बेलिए, बस मीडियम थिकनेस का ही बेलिए, जिससे हमारे शक्कर पारे बिल्कुल बाजार जैसे बनेंगे। बस उसके बाद चाकू से इन्हें डायमंड की शेप में कट करेंगे। तो पहले यहाँ इस तरीके से कट करेंगे और फिर यहाँ से कट करेंगे, जिससे बिल्कुल डायमंड की शेप आ जाए। बस इसी तरीके से सारे शक्कर पारे काट लेंगे और इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पहले ही तेल को गर्म करने के लिए रखा हुआ था। आप इस बात का ध्यान रखें कि शक्कर पारे डालते समय तेल ना बहुत ज्यादा गर्म होना चाहिए ना बहुत ज्यादा ठंडा होना चाहिए। तो बस मीडियम गर्म तेल में हम सारे शक्कर पारे डाल देंगे, जितने भी एक बैच में आराम से आ जाएं। गैस को यहाँ मीडियम फ्लेम पे ही रखेंगे, क्योंकि अगर गैस तेज होगा तो शक्कर पारे बाहर से जल्दी लाल हो जाएंगे और अंदर से कच्चे ही रह जाएंगे। और अगर आप इन्हें लो फ्लेम में फ्राई करेंगे तो ये सारे शक्कर पारे तेल सोख लेंगे। तो ध्यान दें कि इन्हें मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करें। बीच बीच में इन्हें पलटते रहेंगे, जिससे ये दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। जब दोनों तरफ से बढ़िया सा गोल्डन कलर आ जाए तो हम इन्हें तेल से बाहर निकाल लेंगे। आप सुन सकते हैं कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं, और जैसे जैसे ये ठंडे होंगे वैसे वैसे ये और भी क्रिस्पी हो जाएंगे। बस इसी तरीके से हम सारे शक्कर पारे बना लेंगे और इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। तो लीजिए, हमारे सूजी के शक्कर पारे बिल्कुल तैयार हैं। आप इन्हें स्टोर करके 1 से 2 महीने तक खा सकते हैं। अब आप भी ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अवनीस होमली फूड को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।